हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सविता की रेसिपीज। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बिना मावा मिल्क पाउडर के बिल्कुल हलवाइयों जैसी परफेक्ट गुलाब जामुन, वो भी घर में रखी हुई सिर्फ तीन चीज़ों से। तो बहुत ही कम खर्च में बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मिनी गुलाब जामुन की यह रेसिपी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे एक कप दूध, लगभग 250 ml ये दूध है। अब गैस ऑन करेंगे और दूध जब गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच घी। घी को मेल्ट होने तक मिला लेंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगी तब उसमें हम डालेंगे एक कप सूजी। दोस्तों इसे बनाने के लिए बारीक वाली सूजी लें, यदि बारीक वाली सूजी ना हो तो इसे एक बार ग्राइंड जरूर कर लें और इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक साथ इसे नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही दूध और सूजी को अच्छे से हमें पकाना है। सूजी जैसे जैसे दूध के साथ पकती जाएगी यह गाढ़ी होती जाएगी और धीरे धीरे वह डो फॉर्म में आती जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से सूजी और आटे का डो रहता है उस तरह से यह हो जाएगी। तब इस टाइम पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी। 2 कप चीनी मैंने डाला है तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब गैस ऑन करके चीनी और पानी को तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी में चीनी अच्छे से घुल ना जाए। हमें इसकी कोई एक या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना करना है कि चीनी और पानी अच्छे से आपस में घुल जाए और इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो देखिए यह रेडी हो चुका है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और इसे अलग रख देते हैं। इतने ही देर में हमारा डो भी हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का ठंडा करना है। और अब इसमें हमें डालना है 1 चम्मच मैदा और 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी डालने से गुलाब जामुन का जो कलर है बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें कलर आने में बहुत टाइम लगता है, जबकि मावा या मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन में कलर बहुत जल्दी आ जाता है। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और इसका एक अच्छा सा स्मूथ डो बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो बस ये तैयार है। हाथों को हम धो लेते हैं और हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके ना हाथों में। और इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। और इन गुलाब जामुनों की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें कोई सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए बिना कुछ डाले ही यह फूल जाते हैं। यदि आप बड़े वाले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएंगे। लेकिन इन मिनी गुलाब जामुनों को बनाने के लिए हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही फूलेंगे और ऐसे ही सॉफ्ट होंगे। और ये देखिए इस साइज के गुलाब जामुन हमें बनाने हैं। आप चाहे तो इसे छोटे भी बना सकते हैं और इसे थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं मैंने। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले और फिर गैस बंद कर देंगे। इसके बाद ही इन गुलाब जामुनों को डालेंगे जिससे कि गुलाब जामुन तेल में जाके फटेंगे नहीं। थोड़ी देर उसे गैस बंद करके इसी तरह से ही फ्राई करेंगे जब तक कि उसमें एक लेयर सी ना आ जाए। और इसे डालने के बाद हमें इसे चम्मच से नहीं चलाएंगे बल्कि पैन को इस तरह से हिलाते हुए घुमाएंगे जिससे कि गुलाब जामुनों के चारों तरफ हल्की सी लेयर आ जाए। और इसमें जब हल्की सी लेयर आ जाए तब गैस ऑन कर दे और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन है, इसे फ्राई करने में टाइम लगता है और इसमें जल्दी कलर नहीं आता है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसे फ्राई करते वक्त चारों तरफ घुमाते रहेंगे जिससे कि इसमें सभी गुलाब जामुनों में इक्वल कलर आए। और क्योंकि सूजी पहले से ही पकी हुई है इसलिए इसे पकाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। और यह देखिए गुलाब जामुन भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसमें एक बढ़िया सा कलर भी आ चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हमने जो चाशनी बना के रखी थी उसमें डालेंगे। बस ध्यान यह रखना है कि इसे डालते वक्त चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए,
हल्की गर्म होनी चाहिए, नहीं तो ये चाशनी में जाके टूटने लगेंगे। और इसे चाशनी में डालने के बाद लगभग एक घंटा इसी तरह से छोड़ दीजिए ढककर। और एक घंटा चाशनी में रखने के बाद देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से फूल गए हैं। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब सूजी के गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन भी ना फटेंगे और ना ही टूटेंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कम खर्च में ही बहुत जल्दी बन जाती है। और यह देखिए अंदर से जितनी सॉफ्ट और रसीली है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। और यह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।